हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स एंड हाउ। मेरे चैनल व्हाट्स हाउ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप आउटलुक ईमेल जब आप टाइप कर रहे होते हैं, जब आप ईमेल राइट कर रहे होते हैं, तो जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट रैप कैसे कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जब आप मेल लिख रहे हो तो उसके अंदर इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं जिसके अराउंड में रैप टेक्स्ट करना हो। तो हमें क्या करना है, जनरली क्या होता है, मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। सपोज मुझे एक ईमेल लिखना है, हेलो योर पिक्चर हियर। अब मुझे यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पिक्चर पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर है मान लीजिए। अगर मैं इस पिक्चर में, अगर इसके ऊपर मैं टाइप करना चाहूँ कोई शब्द, तो टाइप नहीं होगा कुछ भी। और जब भी मैं कुछ टाइप करूँगा, ये इमेज उसके साथ में मूव करेगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर मुझे कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पर। और हमें जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद हमें जाना है मेल्स में। मेल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिटर ऑप्शन का। एडिटर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एडवांस में आपको मिलेगा कट कॉपी एंड पेस्ट। ये देखिए, कट कॉपी और पेस्ट के सेक्शन में आप देखेंगे इंसर्ट पिक्चर एज का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इन लाइन विथ टेक्स्ट, इन लाइन विथ टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिसमें कि आपकी इमेज के ऊपर टाइप नहीं होगा। इसमें स्क्वायर है, टाइट है। बिहाइंड द टेक्स्ट ऑप्शन को हमें चूज़ कर लेना है टाइप करने के लिए। मैं बिहाइंड द टेक्स्ट कर लूँगा और हमें अप्लाई करके ओके कर देना। अब देखिए क्या होता है, जब मैं किसी इमेज पे मैं टाइप अगर करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करता हूँ, मान लीजिए इंसर्ट, उसी इमेज को मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और पहले तो मैं सिग्नेचर को यहाँ से हटा दूँ। देखिए, पहले जब हम टाइप करते थे तो वहाँ पे पिक्चर पे टाइप नहीं होता था, और यहाँ पे जो है ये पिक्चर पे टाइप हो रहा है। देखिए, हेलो आई एम टचिंग अ पिक्चर फॉर योर फॉर योर रेफरेंस। ये देखिए, तो इस तरह से आप जो है पिक्चर के ऊपर आप टाइप कर सकते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। आप जो का जो टेक्स्ट है वो उसके बिहाइंड है, मतलब हमें पिक्चर के ऊपर में जब टाइप करना होगा तो इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरे वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।